जत्थेदार जोरावर सिंह और जत्थेदार फतेह सिंह, दरबार में औरंगजेब और वजीर खान को पेश करो। कोई औरंगजेब बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हाँ वीर जी, कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा। खबरदार, इस वक्त हम किसी के वीर जी नहीं, राजा हैं, राजा, और वो भी बहुत गुस्से वाले राजा। फतेह सिंह, राजा तो बड़े गुस्से वाला है। कोई बात नहीं, कल हमारी बारी है। दोषियों को पेश करो, नहीं तो तुम दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। रुको रुको खालसा जी, रुको जी, रुको ना। सिंह जी, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। आप वजीर खान बन जाओ। ओ, क्या कह रहे हो साहिबजादे, मैं क्यों बनूं औरंगजेब? ओ ना जी ना, वजीर खान तो हमारा दुश्मन है, मैं दुश्मन कभी ना बनूं। वो तो इतना नीच है कि अगर कहीं हमें मिल जाए तो हम तो उसे वहीं पकड़ लें। सिंह जी, सिंह जी, वजीर खान बन जाओ ना, बन जाओ ना। गंगू, ओ नहीं साहिबजादे, यहाँ आओ ना। अच्छा ठीक है, ऐसा करो गंगू, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। नहीं नहीं साहबजादे, गुरु माता जी ने मुझे जल्दी बुलाया है। आपने अपने गांव खेड़ी जाना है ना? अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम गुरु माता जी को कहकर आपको 8 दिनों की छुट्टी दिला देंगे। अगर ये बात है तो फिर ठीक है। वजीर खान बन जाओ। वजीर खान ही औरंगजेब? नहीं वजीर खान, मैंने इसको पहले देखा था। पहले आप दोनों भाई फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हूँ या औरंगजेब। उसका फैसला हम करेंगे, हमें पहले औरंगजेब की जरूरत है। हाँ तो महाराज, औरंगजेब हाजिर है। औरंगजेब, आपको हम अपने गुरु दादा जी पर किए जुल्म की सजा देना चाहते हैं, पर हम निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो सजा माफ, और अगर हम जीत गए तो आपको हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज, मेरी औकात नहीं है जीतने की, मैं बिना युद्ध किए ही आपका मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत देर हो गई है, गुरु माता जी मुझ पर गुस्सा होंगे, मैं चलता हूँ। महाराज, औरंगजेब तो भाग गया। देख लेना, एक दिन सभी मुगल ऐसे ही हमारा मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। महाराज, बहुत मेहनत की है आपने, औरंगजेब तो भाग गया, अब आपको भूख लगी होगी, चलकर कुछ खा लीजिए। नहीं, अभी हमें बहुत काम है। सोच लो महाराज, मक्खन के साथ गरम गरम चूरमा तैयार है, क्या ख्याल है? मक्खन चूरमा, मक्खन चूरमा, मक्खन चूरमा। दरबार बर्खास्त किया जाता है।